अगर बंटवारे के ही प्रिंसिपल को माना जाता तो सब मुसलमानों को पाकिस्तान मुल्क मिल गया था, उन्हें हिंदुस्तान खाली करके चले जाना था। हमने कहा कि नहीं, हम सेक्युलर मुल्क हैं, आप यहां रहें, और आज अल्लाह के फजल से आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहां हैं। हमने उन्हें रखा है क्योंकि हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया है। लेकिन अगर आज भी आप कहते हैं कि नहीं 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 उसी थ्योरी के आधार पर बिना पर हमको कश्मीर चाहिए, हालांकि मैं इस बात के लिए किसी ने ऑथराइज नहीं किया है, लेकिन अगर आप टू नेशन थ्योरी को ही इंसिस्ट करते हैं कि नहीं वैसी ही इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो क्या कश्मीर के साथ आप हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को रेलवे में भर भर के लेंगे पाकिस्तान के अंदर, टू नेशन थ्योरी मुकम्मल करेंगे? जी चौधरी साहब। हाँ पंडित साहब, मैं गुजारिश करूं कि ये जो कह रहे हैं ना, बाकी की सब रियासतें जो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शामिल हो गई थी, तीन रियासतें रह गई थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जो जूनागढ़ थी उसके जो वज़ीर आज़म थे या रूलर थे वो सर शाहनवाज भुट्टो थे, और वहाँ पे अक्सरियत जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी, हैदराबाद में मुसलमानों की थी। इन दोनों रियासतों पे हिंदुस्तान ने पहले कब्जा कर लिया। अब उसके बाद जब कश्मीर के आप कह रहे हैं ना, कश्मीर का, कश्मीर में ये स्ट्रगल क्यों शुरू हुई? अगर आज आप उसी जो, लेकिन जब सरदार पटेल ने इन सब नवाबों निजामों को ठीक कर लिया, समझा कर, बुझा कर, मना कर, तो जिन्ना साहब को लगा कि अब कश्मीर भी कहीं हाथ से ना जाए, तो इन्होंने महसूद पठानों को, जो उस वक्त इस्कंदर मिर्जा की निगरानी में थे, गवर्नर थे वो फ्रंटियर के, बाद में आपके सदर रियासत बने पाकिस्तान के, उनके साथ बातचीत करके रवाना कर दिया कबायलियों को कश्मीर, जाओ माले गनीमत बहुत है लूट के आओ, और साथ में अपने फौजी लगा दिए। मेजर अकबर खान, उन्होंने तो किताब लिखी है कि मैंने कश्मीर में कैसे जंग लड़ी, आप ही की पाकिस्तान फौज के मेजर थे, बाद में ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उनकी किताब पढ़ लीजिए। इस तरह आप फौजी कुव्वत से कश्मीर हथियाने जब दाखिल हुए जम्मू कश्मीर रियासत में 20 अक्टूबर 1947 को, तब कश्मीर के राजा ने, जो तब तक आपके जिन्ना साहब के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर चुका था कि मुझे वक्त दीजिए मैं तय करूंगा, वो हिंदुस्तान आया, उसने कहा कि मेरी हिफाजत कीजिए, हिंदुस्तान ने कहा कि आप हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी फौजें आप तक नहीं जा सकती, तो उसने कहा लीजिए एक्सेशन किया, अब तो मैं आपका हिस्सा हूं, अब हिफाजत कीजिए। तो हिंदुस्तान की फौजें जम्मू कश्मीर दाखिल हुई, उन कबायलियों को, उन पाकिस्तानी फौजियों को जो सादी वर्दी में कबायलियों के साथ घुल मिलकर घुसे थे कश्मीर, और वो कत्लोगारत का सिलसिला जो पुंछ में देखा गया, बारामूला में देखा गया, मुजफ्फराबाद में देखा गया, कोटली में देखा गया, मीरपुर में देखा गया, राजौरी में देखा गया, दिल दहला देने वाला है। तब हिंदुस्तान की फौजें पहली बार कश्मीर में दाखिल हुई, वहां के लोगों को तहफुज देने के लिए, जो लूटपाट और बर्बरियत का शिकार हो रहे थे कबायलियों और पाकिस्तानी फौज के हाथों। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत वहां का राजा इस बात के लिए जिम्मेदार था, यह उसकी आजाद हक था कि वो कहां जाए, उस हक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक्सेशन साइन किया भारत के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको साइन किया, किसी हिंदुस्तानी ने साइन नहीं किया, अंग्रेज ने साइन किया, चलिए। लेकिन क्योंकि आप हमलावर थे और हमारे नेहरू साहब को कुछ शौक चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस का नया नया यूनाइटेड नेशंस बना था दूसरी जंग अजीम के बाद, तो उन्होंने कहा चलिए जंग बहुत लड़ ली, सवा साल जंग चली गई। शेख अब्दुल्ला ने भी समझाया कि साहब मेरी जो बात मानते हैं वो कश्मीरी बोलने वाले कश्मीरी हैं जो घाटी में रहते हैं, चौधरी हमीद साहब जैसे लोग मेरी बात नहीं मानते जो उस तरफ रहते हैं, तो उन्हें वही रहने दिया जाए और हमारे पास जितना है उतना रख लिया जाए। तो नेहरू साहब ने भी हमारी बढ़ती हुई फौजों को जो खदेड़ रही थी, कबायलियों को भी और पाकिस्तान फौज को भी, आपको मालूम होगा पाकिस्तानी फौजें कबायली श्रीनगर तक घुस गए थे, सही कह रहे, उनको वापस खदेड़ रही थी,
बढ़ती हुई फौजों के कदम रोक लिए गए। 1 जनवरी 1949 को एक तरफा सीज फायर ऐलान करके हम लोग यूएन गए थे, इस उम्मीद से कि यूएन एक ईमानदार फैसला देगा। दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान पैदा होते ही अंग्रेज और अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। पाकिस्तान सिएटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, इन सब का हिस्सा बन गया कोल्ड वॉर में। तो उन सब लोगों को लगा कि ये हमारा ही पाला पोसा बनाया हुआ मुल्क है, हमारे लिए हमेशा फरमा बरदार रहता है, हमारी फौजें, हमारा असला हमारी हर नखरे को उठाता है, तो पाकिस्तान के हक में यूएनओ में जितना कुछ कवायद की जा सके करें। उसमें भी जो रेजोल्यूशंस आए, चौधरी साहब आप तो काफी मारूफ हैं, आपने पढ़े होंगे, उसमें 4 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि पाकिस्तान एक हमलावर मुल्क है, वो अपनी फौजें हटाएगा। दूसरी शर्त थी कि हिंदुस्तान भी अपनी फौजें हटाएगा लेकिन उतनी रखेगा जितनी वहां पर इंतजामिया के लिए जरूरी है। दूसरी शर्त थी कि हिंदुस्तान भी अपनी फौजें हटाएगा लेकिन उतनी रखेगा जितनी वहां पर इंतजामिया के लिए जरूरी है। तीसरी शर्त थी कि उसके बाद वहां पर राय शुमारी होगी। पाकिस्तान ने ही इन रेजोल्यूशंस को सबसे पहले रिजेक्ट किया, कहा अपनी फौजें नहीं हटाएंगे। ये इसी सिलसिले में चलना था। जब पाकिस्तान ने अपनी फौजें हटाने से मना कर दिया तो हिंदुस्तान ने, भारत ने भी कहा कि हम एक हमला झेल चुके हैं, ये विश्वास के लायक, भरोसे के लायक नहीं है, तो जब तक इनकी फौजें नहीं हटेंगी हमारी फौजें नहीं हटेंगी। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि आपके हिस्से में जो जम्मू कश्मीर आया, वहां आपने बड़े पैमाने पर वहां की रियाया में तब्दीलियां की। पंजाब से भर भर के लोग घुसाए, हमारे यहां तो 370 लगाया गया और उसके तहत वहां पर जो जहां था वहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अलग कर दिया, नॉर्दर्न एरियाज बनाया, वो भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। मीरपुर के लोग भाग भाग के विलायत चले गए, वहां भर भर के पंजाबी आ गए, नवाज शरीफ जैसे और रहमान मलिक जैसे और शेख रशीद जैसे, और उन लोगों ने फिर जब पूरा पलट दिया वहां की लोगों की जो डेमोग्राफी थी, जो एक तवाजुन था, अब आप कहते हैं कि साहब आधा हिस्सा हम एक सक्षम वैली चीन को भी दे चुके हैं, नॉर्दर्न एरियाज को काट चुके हैं और आजाद कश्मीर में अपने लोग भर चुके हैं, अब आइए जरा राय शुमारी करा लें। 70 साल बाद अब आपको राय शुमारी याद आ रही है, जब जब अकवामे महबूबा ने कहा था कि साहब राय शुमारी अब हो तो तब आप मुकर गए थे। समय बहुत हो गया है, लेकिन उसके बाद मैं छोटी सी बात और कहता चलूं, क्यों खत्म कर लूं। 1971 में एक बड़ी जंग हुई साहब इन दो मुल्कों में, हमारे और आपके मुल्क में, और उस जंग में अब क्या क्या हुआ मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, कश्मीर पर ही रहे। हाँ हाँ, तो कश्मीर के हवाले से एक शिमला समझौता हुआ और भुट्टो साहब ने कहा कि साहब आप हमारे 95,000 जो कैदी हैं उन्हें रिहा कर दीजिए, अगर मैंने कश्मीर पर किसी तरह की बात मानी आपकी तो मैं जिंदा नहीं लौटूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मुताबिक सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अब यहां से हमारे बीच जितनी भी बातें हैं, जितनी भी झगड़े हैं, वो हम आपस में ही तय करेंगे, बाहर किसी कुव्वत का कोई दखल नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशन थे ना, वो 1971 में ही इस मुआयदे से खारिज हो गए, लेकिन आप लोगों ने रट छोड़ी नहीं। तो 2009 में कोफी अनान ने फॉर्मली कहा कि
कि अब उन रेजोल्यूशंस की कोई वक्त नहीं रही है, क्योंकि उसके बाद बहुत पानी बह चुका है सिंध में भी, जेहलम में भी, और सतलज में भी, और रावी में भी। तो अब थोड़ा होश के नाखून करने